पूर्व कैबिनेट मंत्री तिक्षण सूद, जिला भाजपा अध्यक्ष निपुण शर्मा व अन्य भाजपा नेताओं ने कोतवाली बाजार होशियारपुर पहुंचकर दुकानदारों से सड़क एवं बरसाती पानी की निकासी को लेकर पैदा हुई समस्या संबंधी बात की। इस मौके पर तिक्षण सूद ने कहा कि मौजूदा सरकार के एक नेता ने जनता के साथ धोखा किया है तथा अपने चहेतों को खुश करने के लिए घटिया तरीके से ये कार्य करवाया, जिसका जनता को लाभ नहीं मिला बल्कि लोगों के लिए विकास विनाश बन गया। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए और आरोपियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अपने दुकानदार भाई भी साढ़े बहुत दिनों तो मैनू भी मिल रहे बहुत लोग कि जी गौर गेट कोतवाली बाजार नवा टाइलों का काम होया है, ये बिल्कुल बिलो स्टैंडर्ड होया है और वर्कमैनशिप जी बिल्कुल ठीक नहीं, और इस तरह लगता कि चंद एक जोड़े बहुत चहेते लोग आ बहुत चापलूस लोग आ उन्होंने कहते सारा गलत प्लैन करके होया है। तुसी शायद देखोगे इतने कैमरा मारूंगे टाइलों पर, ये टाइल एस आई एस आई जड़ियाँ वो चाहिए होंगे, पर यह टाइल तो इन्होंने नालों पुरानिया टाइल भी जड़ियाँ भी साल दियाँ लगिया है वो इन्होंने नालों बैटर कंडीशन चा, ये टाइल आई एस आई नहीं। और ये बड़ी एक गल ठेकेदार प्रचलित कर रहे हैं और गल भी सच्ची होएगी कि सारिया टाइल जड़ियाँ मोहाली तो एक खास फैक्ट्री तो टेंडर के लिखता कि उतों लिया जा और वो फैक्ट्री का जे खोज कटिए तो वो पंजाब सरकार के मंत्रियों की फैक्ट्री आ, सो थोप के जबरदस्ती अनवांटिडली बिना चाहे हुए ये सारा इदा उन्होंने टाइलों बिकवाने लई और जरा यदा सारा फंड इधर उधर करने वास्ते जरा विकास के नौते ढोंग रचिया गया है, नालियाँ बंद कर दती गई, जो नाला पाया गया वो अगर निकासी नहीं, ये सारे शहर बाजार वाले की शिकायत है अगर निकासी नहीं और बिजली पाइप भी जी आम तौर पर जी ड्रेन वाटर लिए एक घर की जिनी पाइप चाहिए है वो उन्नी चौड़ी पाइप पाई गई है और सारा बाजार बहुत दुखी आ, थोड़ी जी बरसात ना ही उन्होंने दुकाना च पानी चढ़ आया, उन्होंने बहुत समान खराब होया, पहले 6 महीने उन्होंने करोड़ों रुपए का नुकसान इस करके होया कि इतने बाजार चलना बंद हो गया, गाहक दूजे पासे लग गए और आपां इस गल तो भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक किड्डा वड्डा एक कपला कि RTI दे विच बाजार वालियां ने कुछ इनफॉर्मेशन मंगी है इस प्रोजैक्ट बारे। पहली गल तो यह हर प्रोजैक्ट की इनफॉर्मेशन जिहड़ी हुंदी टोटल एक बोर्ड पर लगानी जरूरी आ, जो रूल्स हैगे आ सारे कंस्ट्रक्शन के, इतने कोई बोर्ड नहीं लगा कि किन्ने का काम आ किदा किदा होना किन्नी देर से खत्म होना, सो बहुत वड्डे एक कपले दे विचों जिहड़ी आ बदबू आ रही आ, सो RTI का जवाब ना देना, जबकि सारा रिकॉर्ड म्यूनसिपैलिटी के इतने पिया आ एक दिन च फोटो कापी करा के दिता जा सकता और इन्हों का पीरियड भी लंघ गया, तो RTI मैं समझना कानून की भी उलंघना आ भी जोड़ा रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं दिता जाता, साफ एक पता लगता कि वाला घपरा RTI जिले जवाब देने तो सरकार फसेगी और सरकार के जोड़े कारकुन आ जोड़े बड़ा शीखियाँ मार मार के जिन्होंने ये उद्घाटन किए तो कहा कि असी हुशियारपुर का बड़ा विकास करते। सब तो पहली गल यह है कि जिहड़ी फैक्ट्री तो मोहाली तो किटा आदियाँ और टेंडर के लिखा जाता खास तौर पर उस फैक्ट्री दियाँ जिहड़ियां टाइलां लाओ ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, नहीं होया तो जिथे भी लगनगियां भारतीय जनता पार्टी के वर्ग उसे प्रोटेस्ट करनगे और लगन। द स्टेलर न्यूज़ के लिए गुरजीत सोनू की रिपोर्ट। We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship, encourage thought leadership. We are at the forefront of new age digital technology. We are world standard in theory and practice. We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to affect positive change around them.